अस्सलाम वालेकुम, आज हम जा रहे हैं कराची टू इस्लामाबाद। अभी बैंकॉक से आए थे, त्यौहार होकर मलाइशिया रह गया था, तो अपनी फैमिली को लेके मैं जा रहा हूँ भाई यार इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से फिर नारायण फॉरन, तो मैं आपको आगे का बताता हूँ। हम जा रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए और फिर बस अभी 10 मिनट में जहाज़ उड़ने में फ्लाई करेंगे। इस्लामाबाद में ये देखिए, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, जो न्यू एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का। तो हम अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, बस बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, फ्रेश होके बाहर जाएंगे, फिर सीधा नारायण इस्लामाबाद से। अभी यहाँ तकरीबन 11:40 हो रहे हैं, उसके बाद हम सीधा नारायण की फ्लाइट लेंगे और निकलेंगे। कार बुक की भी वो आ जाएगा, बल्कि आ गया होगा लेने, तो बस सीधा नारायण। फिर आपको रास्ते की वीडियो दिखाता हूँ नारायण की। ये हम बाहर निकल गए एयरपोर्ट से और बस अपने ड्राइवर को कॉल करेंगे कि वो आके हमें पिक कर ले। ये भाई आ गए हमें रिसीव करने और अब हम बाहर जा रहे हैं, अब गाड़ी में बैठेंगे और फिर हमारा नया सफ़र शुरू हो जाएगा। ये हमारे छोटू भी आए साथ। हाय तो कर दो शाहरुख, हाय करो। ये आ गई हमारी गाड़ी और अब हम रवाना होंगे नारायण के लिए। ये भी हमने फ्यूल टैंक फुल करा लिया और अभी जा रहे हैं हम मोटरवे की तरफ। मोटरवे की तरफ ही जा रहे हैं हम। जी मोबाइल में तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है। अभी हमने एप्टा बात करो, ये सेकंड टनल आ गई। ये भी हम मानसेरा से गुजरेंगे, यहाँ से मोटरवे से उतर गए नीचे, फिर हम जाएंगे बालाकोट। ये भाई मानसेरा में हमें रोक लिया पुलिस ने, एंट्री करा और यहाँ से बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई गाड़ी गुजरी है फॉर्चूनर, उसको उन्होंने रोका भी नहीं, उसको जाने दिया और हमारे ड्राइवर को उतार के कह रहे हैं कि एंट्री कराओ गाड़ी की। बाईपास कर दिया सिटी, पूरा सिटी में एंटर नहीं हुआ, ऊपर वाली रोड है और ये हम ऊपर से गुजर रहे हैं, ये नीचे मानसेरा सिटी है।
ना बाईपास करके निकल गए। अभी आ गए हम अंबाला गुरुवारे रोड पे। बालाकोडम पहुंच गए हैं और बालाकोडम क्रॉस कर रहे हैं, अब सीधा जा रहे हैं नारायण। नारायण में जाके स्टे करेंगे। ये बालाकोडम ने क्रॉस कर लिया। तो वैसे भी एक घंटे बाद सुबह होने वाली है। शुग्रान के लिए यहाँ से 4x4 गाड़ी करके या कोई अपनी गाड़ी भी ऐड है, क्योंकि रोड काफ़ी बेटर हो गया है। ये क्यूआई बॉर्डर फॉल्ट है। तो यहाँ से जीप करके 4x4 3000 लेता है जीप वाला, ऊपर शुग्रान तक ले जाता है। नारायण का टनल आ गया, नारायण से पहले जो टनल आता है। फॉग देखें यहाँ पे कितनी है। जो टनल बना दिया है नारायण से पहले रेडी हो चुका है। और अभी नारायण तकरीबन इस टनल से 22-23 किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करेंगे और दोबारा जो है ना वो फिर वो आएगा और अपनी खुद ताकत मिलेगा। तो ये नारायण नज़र आ रहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। हम 4.5 घंटे में ये नारायण इंटर हो रहे हैं। पूरे 4.5 घंटे में हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे। 12:37 पे जो है ना वो हमने स्टार्ट किया था मोटर वे, पेशावर मोटर वे। और ये 4:34 हो रहे हैं और ये सामने नारायण है हमारे। ये जी नारायण बाजार, हम इंटर हो चुके हैं नारायण में। अभी भी यहाँ पे कुछ स्टॉप खुली हुई है। रात के 4:30 बज रहे हैं और मार्केट खुली हुई है यहाँ की। अभी हम इस होटल में विजिट करने जा रहे हैं, रूम वगैरह देखने। होटल समरलैंड भाई, ये रूम है। ये रूम सीज़न में 15,000, 20,000, 18,000 का होता है। और अभी ऑफ सीज़न है, समझ लें 50-50 है।
इतने टूरिस्ट नहीं होते। तो अभी ये हो रहा है इस टाइम 8000 में 24 आवर्स, यानी आज लेंगे हम लोग, अभी 5 बज रहे हैं और कल तक के 12 बजे तक सुबह के, तो बेहतरीन है। होटल भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इसका बाहर से व्यू है। इसका नाम क्या होटल का? एडन। एडन जी। ईडन। ईडन होटल है भाई, बहुत ज़बरदस्त। नीचे का ही रूम है हमारा। मेरा बैग उठाओ। ये भाई सुबह सुबह होटल के बाहर का व्यू है, नारायण ईडन होटल। ये भाई अब सुबह ही सुबह हम नाश्ता करने निकल लें यहाँ से, क्योंकि भूख लग रही है और ये लेट की थक नहीं रहा है। गेट बड़ी मुश्किलों से खिसका और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने बाजार, दिखाते हैं बाजार। जी भाई सुबह के 5:30 बज रहे हैं और नारायण बाजार होने लाहौरी स्पेशल नाश्ता, और हम जाएंगे इधर पठान की तरफ नाश्ता करने, अन्ना पराठा चाय पराठा, और सर्दी बहुत टाइट है। ये देखो मैंने जैकेट पहन ली लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही है हो रही है, हालत टाइट हुई है। मुझे ट्राउज़र भी लेना है, जल्दी जल्दी में पैकिंग करना भूल गया, ट्राउज़र या शॉर्ट लेना है के लिए। सीधा सीधा नीचे। तो फिर अभी आपको दिखाते हैं हम पठान का चाय पराठा, अंडा पराठा, अंडा पराठा वो लग नहीं जा रहा है। ये हम अभी घूम रहे हैं नारायण बाजार भाई, माशाल्लाह वजू कर रहे हैं फजर की नमाज के लिए। हो ये हम आ गए होटल, अभी तो तवा भी गर्म नहीं हुआ इनका। भैया अंडा पराठा मिल जाएगा? अंडा पराठा नहीं, 7 बजे ठीक है नहीं लगेगी। ये मिला भैया हमें नाश्ते के लिए होटल, देर तो नहीं लगेगी, अंडा पराठा। ये जी सर होटल के अंदर हमें अंडा पराठा मिला है इस टाइम 2:00 बजे लाहौर ब्रोस के नाम से। और क्या क्या आइटम है? हलवा पूरी है, हलवा पूरी भारी हो जाएगी। ये हमारा आज अंडा पराठा, अभी चाय आ रही है और हम आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में।